हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ दोस्तों। यहां पर प्रश्न से संबंधित अति महत्वपूर्ण सूचना है और आजमगढ़ रिफ्यूज से संबंधित कुछ सूचना आपके सामने लेकर हाजिर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब क्या है, कैसे है, पूरी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा। और यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट ईयर पीजी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ अपडेट है। मैं आप पीजी फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर, उनके लिए कुछ अपडेट है, सोचा इसे रूबरू करा दूं। तो क्या है, कैसे है, मैं पूरी बात ही अपने वीडियो के माध्यम से करता हूं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में घंटा वाला बटन भी ऑन कर ले। अब सबसे पहली न्यूज है प्रश्न पत्र से संबंधित। क्या न्यूज है? तो प्रश्न पत्र से जो संबंधित है न्यूज है दोस्तों, आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद आपको न्यूज एंड सर्कुलर पर चले जाना है, ठीक है। जैसे ही न्यूज और सर्कुलर पे आप चले जाएंगे, जाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नेट का भी कुछ इश्यू है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है और ये देख सकते हैं कि अभी आपके सामने खुला है। उसके बाद यहाँ पर मुख्य परीक्षा आंसर की ये वो, यहाँ पर आंसर की पेपर कोड, ये जो जो पेपर आपने दिया उसका पेपर कोड यहाँ मौजूद है, ठीक है, क्योंकि आज की ही न्यूज़ 20 तारीख की ये न्यूज़ मौजूद है। इस पर आप क्लिक करिए। अब इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं तो देख सकते हैं कि प्रेषक कौन है, क्या है, कैसे है। तो फिर थोड़ा सा पहले आप इन चीज़ों को समझिए कि वित्तीय अधिकारी जी, कुछ सचिव वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है, परिचय नियंत्रण दिया हुआ है। और यहाँ पर पूरी न्यूज क्या है, इधर समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है, यानी जिससे भी संबंधित है, राष्ट्रीय नीति 20 के अंतर्गत स्नातक बीए यूजी फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस व कॉमर्स का पेपर, कॉमर्स का दूसरा, कॉमर्स का तीसरा, एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस एवं ड्राइंग, तो ये सारी चीजें उत्तर विषय की उत्तर कुंजिका विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आशय इस आशय से अपलोड की जा रही है। यानी उन्होंने किससे अपलोड कर रहे हैं कि अगर किसी तरह कोई आपत्ति हो तो यहाँ पर कहें 4 बजे तक विश्वविद्यालय ने जो है उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। इसके बाद यानी आपको अगर लग रहा है कि किसी तरह की कोई डाउट हुआ है तो आप लोग इन तमाम चीज़ों को जो है उस पर कर बता सकते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, तो वो उन चीज़ों को चेक करके उन चीज़ों को सही कर देंगे ताकि आसानी के साथ हो सके। आपको जिसको जिसमें भी जो लगता है आप तुरंत देखिए, उसके बाद इस पर कंसल्ट कर लीजिए अगर आप कुछ में से कोई भी एक सब्जेक्ट मौजूद है तो, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर दूसरी न्यूज़ के बारे में बता दूँ दोस्तों, तो जो दूसरी न्यूज़ है आजमगढ़ से आज संबंधित, तो यहाँ पर एक अपडेट ये है मेरे सामने कि अभी जैसे ही मैंने जो है 2 से 3 दिन पहले मैंने बात करनी कोशिश की तो वहां से कुछ अपडेट मेरे पास आई कि आपका जो एग्जाम की जो डेट है वो आ सकती है 21-22 तारीख तक में। वो अभी कंफर्म नहीं है, मे भी उन्होंने कहा है कि डेट का जो क्राइटेरिया वो रहेगा, या तो फिर ये एग्जाम जा सकता है मई टू जून मिला के इसी के दरमियान सारे एग्जाम होने हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, एक अपडेट थी क्योंकि यहाँ पर जो भी एक क्राइटेरिया बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि क्या होगा कैसे होगा, तो उन्हीं चीज़ों के लिए मुझे कुछ अपडेट दी गई, मैं सोचा आपको रूबरू इस बेस पर करा दूं आसानी के साथ सारी चीज़ें हो सके कि आजमगढ़ से जो संबंधित है, जो न्यूज़ है, जो टाइम टेबल है, ये 2 से 3 दिन बताया गया है। कह रहे मे भी 2 से 3 दिन में आ जाएगा, 2 से 3 दिन में नहीं आता तो मतलब 25 के बाद आप मान के चलें तब तक टाइम टेबल आ जाएगा। 25 के बाद आने के बाद फिर ये एग्ज़ाम जो है मई तो और जून मिलाकर होगा, जिसमें आपके सारे एग्ज़ाम पेपर कवर किए जाएंगे। तो खैर दोस्तों, इसका पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, इस पर भी मैं जल्दी कुछ अपडेट लेकर आपके सामने लेकर हाजिर हूँगा। और अगर किसी तरीके का क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं उसमें रिप्लाई आपको देता हूँ। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह बाहर ना निकले।